आज के सफ़र की शुरुआत हुई जब मैं क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा था। मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बोला कि इवेंट प्लान करवाना है, और इवेंट प्लान करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हमने इवेंट कैसे प्लान किया। स्टेप नंबर वन ये आया कि हमें फाइंड करनी थी एक ऐसी लोकेशन जो हमारे क्लाइंट के बजट में हो और उनकी रिक्वायरमेंट को मैच करती हो और अवेलेबल भी हो। तो हमने फाइंड करी वो लोकेशन। आप व्हाट्सएप पे देख रहे हो कि कितनी सारी लोकेशंस में हमने ये वाली लोकेशन जाके फाइनलाइज करी, और ये होटल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और ये हमारे क्लाइंट के बजट में भी था। स्टेप नंबर टू में हमने होटल को बुक करा, और जो जो रिलेवेंट वेंडर्स थे उसके अकॉर्डिंगली वो सब हमने बुक करे। हमने कैमरा वाला बुक करा, हमने प्रोडक्शन के लिए पूरी प्रोडक्शन टीम बुक करी, और जो भी वहाँ के लिए गिफ्ट चाहिए थे हमने उन सब चीज़ों को जाके परचेज करा। एंड फाइनली हमने लॉजिस्टिक के लिए सारी चीज़ें मैनेज करी, और जब ये सब मैनेज हो गया तब जाके हम आते हैं थर्ड पॉइंट में, जो है प्रिंटिंग एंड कंस्ट्रक्शन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी और प्रिंटिंग के लिए चीज़ें बनवाई, और जो जो चीज़ें हमने वहाँ पे प्रिंटिंग करवाई, वो जो आप एंट्री गेट देख रहे थे, जो आप स्टेज के ऊपर देख रहे थे, ये सारी की सारी चीज़ें प्रिंटिंग का पार्ट है। और इसके अंडर पूरे हमारे स्टूडेंट्स ने बैठ के R&D करा, मतलब रिसर्च करा, चीज़ों को एनालाइज करा, जो भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन होता है वो करा, और तब जाके ये इवेंट जैसा आपको दिख रहा है वैसा दिख रहा था। और इसी के साथ हम आते हैं फोर्थ पॉइंट में, उसको बोलते हैं वेन्यू इन अंडर कंट्रोल। मतलब वेन्यू के ऊपर जो जो काम हो रहा है वो हमारे अकॉर्डिंगली और हमारे हिसाब से होना चाहिए। इसके लिए बच्चों ने एक एक चीज़ को खुद से करा, इवन फूल तोड़ने से लेके रजिस्ट्रेशन तक, इवन जो अंदर का भी प्रोग्राम हो रहा था उसके ऊपर भी पूरी नज़र थी। वहाँ खड़े रहे जब तक वो इवेंट चल रहा है, पूरे चीज़ों को मैनेज करते रहे कि सब कुछ सही से चले जैसे हमारा प्लान था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एग्जीक्यूट द इवेंट विद अ प्रॉपर मैनर। यहाँ पे आज हम दिखाएंगे कि हमारे बच्चों ने क्या क्या किया और कितना सारा काम किया, तो चलते हैं ब्लॉग के साथ। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इवेंट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करा एज अ स्टूडेंट। ऑनलाइन के भी बच्चे हैं और ऑफलाइन के भी बच्चे हैं, अभी ये सारा सब कुछ सेटल कर रहे हैं। और आप भी अगर चाहते हो इवेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना, इवेंट इंडस्ट्री में काम करना, पैसे कमाना, जॉब करना, तो आप भी इवेंट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हो और इवेंट में एक्सपोजर और प्रैक्टिकल चीजें ले सकते हो। पधारो तो सभी स्टूडेंट रेडी हो गए थे वेलकम करने के लिए जो गेस्ट आने वाले थे उनके लिए, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी रेडी था। और यहाँ पे जब सब कुछ रेडी था तो यहाँ पे हमारा जो कैमरामैन था वो भी रेडी थे, और वंश उनको पूरा मैनेज कर रहा था। और जब ये सारी टीम रेडी हो रही थी, सारा रिहर्सल चल रहा था, तो तब तक मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की साइड। जैसे हम अंदर आते हैं, यहाँ पे हमारा प्रिंटिंग के बैनर लगे हुए हैं, और यहाँ पे हमारा फोटो बूथ लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पड़े हुए हैं गिफ्ट आइटम्स जो हम रिटर्न गिफ्ट के टाइम में देने वाले हैं। तो यहाँ पे मनी प्लांट हमने प्लान करा है क्लाइंट के साथ बैठ के। तो अब हम अंदर का दिखाते हैं। अंदर आते ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने स्क्रीन है जहाँ पे पोडियम है, LED स्क्रीन है, और पूरा स्टेज का सेटअप है। और अगर सिटिंग की बात करें तो हाफ क्लस्टर सिटिंग है जिसके अंदर चेयर्स हैं और सामने स्क्रीन है, और यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं जिनका डायरेक्ट फोकस है। और जो साउंड की बात करें तो वो सराउंड साउंड है, और सामने है कंसोल जहाँ से पूरा साउंड मैनेज होगा। ये पूरा बैक व्यू है पूरे लाइक लोकेशन का, और ये मैं आपको लोकेशन का जूम व्यू दिखा रहा हूँ। हर टेबल के ऊपर प्रॉपर बॉटल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे हमारा इवेंट हो गया शुरू। अब इवेंट शुरू हो गया, इवेंट के अंदर जो जो हो रहा है वो सब चल रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बाहर के नज़ारे। जब इवेंट के अंदर काम हो रहा था तो बाहर वाले बच्चे फ्री हो गए, और वो आपस में मजाक मस्ती और इंजॉय करने लग गए जैसे हर इवेंट में होता है। किस टॉपिक पे? भाई ये फर्स्ट कुछ नहीं दिला था, ये हवा दिला दे। इन प्री प्राइमरी स्कूल कांग्रेचुलेशंस, प्लीज जोरदार तालियां। तो यहाँ पे तीन ग्रुप में बच्चे डिवाइड हो गए, जो ऑन स्टेज कर रहे थे, जो ऑफ स्टेज कर रहे थे, और जो बिहाइंड द स्टेज कर रहे थे।
ऐसे तीन ग्रुप मिलके एक ही इवेंट के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे काम कर रहे थे। बिहाइंड द स्टेज वो सारी पैकेजिंग कर रहे थे उनकी, जो इन्होंने गिफ्ट हैम्पर देने हैं उन गेस्ट को जिन्होंने ये इवेंट अटेंड किया। और उसके साथ साथ मैंने अपने ही स्टूडेंट से पूछा कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो क्या ये वायरल होगा, तो सुनते हैं उसने क्या बोला। स्पीकिंग होते हैं, अगर आपका स्पीकिंग सही तो ब्लॉग या वीडियो कैसी भी है आपको व्यू जाएगा, एक मतलब कॉन्फिडेंस होनी चाहिए अपने आप। और इसी के साथ मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी दूंगा, वो ये जब इवेंट खत्म हो गया उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा उन्होंने, अच्छी खासी फोटोज क्लिक कराई जैसे अब अभी देख पा रहे हो, और आफ्टर इवेंट बहुत ज़्यादा फन होता है वो सब किया। सो इसी के साथ ये वाला व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप भी ऐसी लाइफ जीना चाहते हो, ऐसी चीज़ें करना चाहते हो, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जैसे इन बच्चों ने किया, वैसे आप भी कर सकते हो और आप भी इस इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बना सकते हो।